समुद्र जितने विशाल है उतना ही गहरा उनका रहस्य है। समुद्र की गर्त में कई ऐसे जलीय जीव पाए जाते हैं जो बेहद ही अनोखे हैं। यह जीव इतने दुर्लभ है कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मोस्ट यूनिक सी क्रिएचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। एलिफेंट फिश। आपने धरती पर सूंड वाले हाथी को तो बहुत सी बार देखा होगा, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि समुद्र में भी एक मछली ऐसी पाई जाती है जिसकी शेप हाथी की तरह होती है। इसी की वजह से इस मछली को एलिफेंट फिश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस मछली के मुंह की बनावट हाथी से काफी मिलती जुलती है। हाथी की तरह इसकी भी एक सूंड होती है और यह सूंड ही इन्हें अन्य मछलियों से जुदा करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि इस मछली की आंखें भी हाथी की तरह दिखाई देती है। एलिफेंट की तरह दिखने वाले इस मछली को देखकर अक्सर लोगों को लगता है कि यह मछली हाथी की प्रजाति से संबंध रखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आकार की अगर बात करें तो यह फिश 5 फीट तक बढ़ने की क्षमता रखती है। बताते हैं कि जब यह मछली छोटी होती है तब इसका मुंह हाथी की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ी होती है इसके आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह एक ऐसी फिश है जो अपने अनोखे रंग रूप की वजह से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मछली साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर कम से कम 200 मीटर की गहराई में पाई जाती है। हेलमेट अर्चिन। विचित्र से दिखने वाले इस जीव का नाम हेलमेट अर्चिन है। यह जिस समुद्र में पाया जाता है वह सी अर्चिन की प्रजाति से ताल्लुक रखता है। दुर्लभ होने की वजह से इसे देख पाना आम बात नहीं है। इसकी शारीरिक बनावट काफी निराली है जो कुछ कुछ हेलमेट जैसी होती है, और इसकी मदद से यह अपनी रक्षा भी करता है। इसका रंग डीप मेहरून और डीप पर्पल होता है। साइज की अगर बात करें तो हेलमेट अर्चिन छोटी बॉल की तरह होता है। यह एक सॉफ्ट बॉल के आकार तक बढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर यह बहुत छोटे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेशक यह जीव पानी में रहता है, लेकिन हेलमेट अर्चिन तैरने में ज्यादा सक्षम नहीं होता है, इसलिए यह काफी कम ट्रैवल करता है। यह अधिकांश सी सरफेस से चिपके रहते हैं। यह पेरीविंकल दूसरे अर्चिन पर फीड करता है। बताते हैं कि यह 15 साल से 200 साल तक जिंदा रहने में सक्षम होता है। सी बनी। नटखट वाले खरगोश को प्यार से बनी कहा जाता है। सफेद रंग और लाल आँखों की वजह से खरगोश काफी आकर्षक लगते हैं। अगर हम आपसे कहें कि समुद्र में भी एक बनी पाया जाता है तो शायद ही आप यकीन करेंगे, लेकिन दोस्तों समुद्र में खरगोश की तरह दिखने वाला एक सुंदर सा क्रिएचर पाया जाता है जिसे सी बनी कहते हैं। इसका एक्चुअल नेम जोरुन परवा है। इसके छोटे छोटे दो कान इसे अट्रैक्टिव लुक देते हैं। सुनने के अलावा इसके कान वाटर फ्लो को समझने में भी मदद करते हैं। देखने में आपको भले ही सी बनी क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन असल में यह अन्य समुद्री जीवों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। सी बनी काफी जहरीले होते हैं और जो कोई भी इन्हें छूने और खाने की कोशिश करता है उसका बचना मुश्किल है, इसलिए समुद्र में मौजूद दूसरे जीव इसे दूरी बनाकर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जहरीली बनी में जो जहर पाया जाता है वो इंसानों के लिए अच्छा होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कैंसर के इलाज में इसका जहर काफी कारगर है, इसलिए इस पर रिसर्च की जा रही है। बबल आई। बबल आई एक गोल्ड फिश ब्रीड है और यह गोल्ड फिश की सबसे अनोखी किस्में से एक है। इस मछली के दोनों आँखों के नीचे दो बड़े बबल्स होते हैं, जिसकी वजह से ही इसका नाम बबल फिश पड़ा। इसी अनोखे रूप की वजह से यह फिश काफी यूनिक मानी जाती है। इसकी आंखों के पास बनी इस थैलीनुमा संरचना में कुछ फ्रूट टाइप भरा होता है। हालांकि शुरुआत से ही यह बबल संरचना नहीं होती है, लेकिन अंडे सेने के 3 महीने बाद आंखों में ब्लडर विकसित होना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन बबल्स की वजह से ही यह मछली ठीक से तैर नहीं पाती है। आमतौर पर बबल फिश लंबाई में 3 से 4 इंच तक बढ़ सकती है। इनका जीवन काल 10 से लेकर 15 साल तक का होता है। देखा गया है कि यह मछली अन्य मछली के अपेक्षा बहुत कुछ खा सकती है। आपको बता दें कि यह मछली दुनिया भर में व्यापक रूप से पाई जाती है और काफी लोग इसे एक्वेरियम में पालना पसंद करते हैं।
आपको इसमें से कौन सा जीव अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।